हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन लेकर। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सके। आज एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी। राधे कृष्णा इधर रहते थे हमेशा और शिव जी को मैंने यहाँ बैठाया हुआ था, तो जब मैं हर हर महादेव बोलती हूँ तो जब मैं इनको देखती हूँ तो मैं हमेशा इस तरफ देखती हूँ। बाद में मुझे देखना पड़ता है इस तरफ क्योंकि शिव जी को इधर बैठा दिया था मैंने जब डेकोरेशन चेंज की थी। तो अभी क्या हुआ थोड़ी देर पहले कि मैंने सोचा कि जब मैं इधर ही देखती हूँ तो मैं इनको इनकी जगह पे ही रख देती हूँ और उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ ताकि मेरा नज़र, क्योंकि आदत पड़ गई इधर देखने की हर हर महादेव बोलते टाइम और विष्णु जी को याद करती हूँ तो इस तरफ देखने की, तो मैंने जगह चेंज कर दी दोनों जने की। और जैसे ही मैंने जगह चेंज की एक अजीब सा वाक्या हुआ। यहाँ पर कमरे में सडनली महादेव का अभिषेक हो रहा है और ये देखिए आप, ये देखिए पानी, कितना पानी है, ये पूरा नहा रहे हैं अपने आप, ये देखिए इतना पानी। और कमरे में पानी कहाँ से आ रहा है, अचानक से जैसे ही मैंने इनको यहाँ बैठाया एसी से बूंद बूंद करके इन्हीं के ऊपर पानी गिर रहा है बस, और पूरे कहीं पे पानी नहीं गिर रहा, पूरा टेबल के ऊपर ही एसी है और वहाँ से सिर्फ इनके ऊपर पानी गिर रहा है। पहले मुझे लगा कि मुझे हटा देना चाहिए भगवान को, फिर मुझे लगा कि ये इन्हीं की इच्छा है क्योंकि ये अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं तो इनको नहाने दो। ये देखो कितना पानी पानी, ये देखो इतना पानी 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 करके ये मज़े से नहा रहे हैं, डमरू उमरू सब कुछ नहा रहे हैं, देखिए कितना पानी है, ये देखिए। तो इनको नहाने दो और इन्होंने अपनी व्यवस्था, ये देखो आ रहा पानी, एक एक बूंद ही आ रहा है और खाली इन्हीं के ऊपर आ रहा है। अब इसको मैं क्या कहूँ बताऊँ, इनको खुद ही नहाना है तो नहाएं आराम से, मज़े से नहा रहे हैं आँख बंद करके। देखो पूरा मुंह गीला है, अपने भी नहा रहे हैं, अपने वासुकी को भी नहला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओहो, एक बार में ही बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस। और मेरे ऐसा भी नहीं कि एसी में प्रॉब्लम है या एसी से कभी भी एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, अंदर की तरफ तो बिल्कुल नहीं टपकता। पता नहीं कैसे ये आज चमत्कार हुआ है यहाँ पर कि अंदर एक एक बूंद गिर रहा है और वो भी सिर्फ इन्हीं के ऊपर गिर रहा है। तो मासिक शिवरात्रि और ये अपना अभिषेक स्वयं कर रहे हैं, बढ़िया है, मज़े। तो गाइज, आज की एनर्जी में वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, द फूल, टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, हैरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी में दो दिन से आ रहा है कि ब्रेकअप्स होंगे और इट्स शॉकिंग कि सब कुछ जानने के बाद भी आपका ब्रेकअप हो रहा है, आप रोक नहीं पा रहे उसको। ये एनर्जी की पावर देखिए, आप कल और आज के कमेंट पढ़ लीजिए, टैरो विद एम सिंह और एस्ट्रो विद एम सिंह दोनों के इतने ब्रेकअप्स हुए हैं। जितने कांटेक्ट में थे काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर देते हैं जो यूट्यूब पे अपना नाम नहीं दिखाना चाहते, बट गजब ब्रेकअप हुए हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने पूछा कि मतलब रीज़न क्या है, तुमने क्यों झगड़ा किया, तो वो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, सडनली ब्रेकअप कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मतलब बिना कुछ बताए ब्लॉक कर दिया। ये एनर्जी की पावर देखिए, एनर्जी का फ्लो कितना तगड़ा होता है।
तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जिन जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनके पर्सन इस वक्त बिल्कुल आइसोलेशन में है। और ये जब अकेले हो रहे हैं ना, अकेले इंसान कब होता है? घर में वैसे भी सुकून तो होता नहीं है, आप अकेले कब होते हो? अकेले आप होते हो वॉशरूम में, अकेले आप होते हो जब आप टेरेस पे होते हो, कई बार टेरेस पे भी भीड़ आ जाती है। अकेले आप होते हो जब आप कहीं वॉक वॉक करने गए, अपने कान में ईयर पीस लगाया, मस्त गाना लगाया और आप अकेले वॉक कर रहे हो, या आप किसी गार्डन पार्क में बैठे हो, तभी आप अकेले होते हो। अदरवाइज़ घर में तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो जब ये अकेले हो रहे हैं ना, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्यों किया। इनको खुद को नहीं पता इन्होंने क्यों किया, ये खुद सोच रहे हैं, ये खुद मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है कि आखिर मैंने किया तो किया क्यों, क्यों ऐसा बिहेव किया मैंने उसके साथ, उसकी गलती क्या थी। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने ज़्यादा कर दिया। इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। और ये भी बता दूँ कि इसी टाइम पीरियड में जो मैंने वार्निंग दी थी कॉन्टैक्ट वालों को और नो कॉन्टैक्ट वालों को बोला था कि मैसेजेस आएंगे, आज गजब के यूनियंस हुए हैं। 3-4 कमेंट पिन एक एक करके तो मैंने ही किए हैं खुद से, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं उनको जो नो कॉन्टैक्ट में हैं। और जो कॉन्टैक्ट में है काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों ने कंट्रोल किया है, कुछ लोगों का तो हो गया। अब यहाँ पर इनकी वाइब्स में ये है कि अब मैं क्या करूँ, अब ये कन्फ्यूज्ड हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं कि अब मैं वापस आऊँ। आप तो मुंह फुलाए होगे, आपकी ये एनर्जी है, आप तो इनका चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे होगे, ये आप वेट कर रहे होगे आप में से कई लोग कि अब ये अनब्लॉक करे तो मैं सामने से ब्लॉक कर दूँगी, क्योंकि आपकी आपको हर्ट हुआ है ना, आपकी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट किया है इन्होंने, मुझे ऐसे कैसे ब्लॉक कर दिया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ऐसी तो कोई बड़ी बात भी नहीं हुई कि आप ब्लॉक करके भाग रहे हैं। और अगर इतनी शौक है भागने का तो भाग जाओ। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे हिम्मत जुटाऊँ वापस आने के लिए, क्या बोलूँ, कैसे करूँ, ये खुद कन्फ्यूजन में किया इन्होंने। जैसे इमेच्योर बिहेवियर होता है ना, इमेच्योर बिहेवियर किया है, अच्छा खासा सब कुछ चलते चलते अचानक से इमेच्योर बिहेवियर इनसे हुआ है। और अब इस बारे में सोचकर ये बहुत परेशान हो रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये करियर में झोंकने की एनर्जी है, वहाँ पर भी इनका मन नहीं लग रहा। शादी को लेकर भी अब ये कन्फ्यूज हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, आपसे शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इन्हें क्या करना चाहिए। और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तब तो ये और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है बहुत इनकी। डीपेस्ट फीलिंग्स में लव, रोमांस, पैशन, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर की जिनकी ब्रेकअप हुई है आज के दिन। जिनका अभी भी यूनियन हुआ है वो तो खैर अच्छी एनर्जी में होंगे, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को जताना कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो तो मेरे लिए, आगे सपने दिखाना शादी से रिलेटेड। बट यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनकी एनर्जी की बहुत ज़्यादा वाइब्स नहीं है, क्योंकि अभी अभी आप कांटेक्ट में आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी एनर्जी रहेगी। बट जिनका ब्रेकअप हुआ है उनको मैं बता दूं, आपके पर्सन अब परेशान है। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है कि अब मैं आऊं तो आऊं कैसे, मतलब या तो बिल्कुल केयर फ्री होकर वापस आएं कि हाँ कल मूड अच्छा नहीं था तुम समझ जाओ, या झगड़ा हुआ था किसी के साथ, गुस्सा तुम्हारे पे निकाल दिया, हो सकता है सॉरी बोलना पड़े तो सॉरी भी बोल लें, बट वाइब्स इनकी पॉजिटिव नहीं है। तो फिलहाल अभी अगर किसी का हुआ है ऐसी सिचुएशन तो न्यू मून बीतने दो, सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व होगी। अपने आप सिचुएशन रिजॉल्व होगी, शिव शंभो। इमीडिएट एक्शन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से भी आ गया देखो। और क्या भाई 9/11 पे जब मैं बोल रही शिव शंभो तभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इनका दिमाग जो है इस टाइम ख़राब है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या किया जाए, मूव ऑन कर लिया जाए, आपको छोड़कर मूव ऑन करने की बातें भी इनके दिमाग के कोने में आ रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है आपके साथ न्याय होना, आपको जस्टिस दे पाना, इट्स वेरी टफ। ब्लॉकेज का कारण ज़्यादा है यहाँ पर, ये एनर्जीज उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनका सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। 919 एंजल्स कह रहे हैं कि जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है
अगर मैक्सिमम टाइम पूछा जाए तो सितंबर का लग सकता है। 9-9 पोर्टल के आसपास यूनियन होने के संभावनाएं हैं, और यहां से भी देखिए 9-11 आ गया एंड वी हैव 9-1-9। दीज बोथ आर एंजल नंबर्स। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई करें। इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि ऑब्स्टिकल्स के कारण और चैलेंजेस के कारण ये इतने परेशान हैं कि ये आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस्पेशली आपकी इच्छा अगर नई शुरुआत से रिलेटेड है तो ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये ना पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं कि यार छुप जाओ। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम कैसे छुपते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब हम बच्चे होते हैं। तो अगर हमसे सपोज़ कि दूध गिर गया तो हम गैस बंद नहीं करते, वैसे ही छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा होता है जब आप छोटे रहे होगे तो ऐसा करे होगे ज़रूर से कि मम्मा ने आपको काम दिया कि बेटा दूध बंद कर देना, हिलना नहीं यहाँ से, और आपने दूध नहीं बंद किया, दूध गिर गया और आप खेल रहे हैं, बाद में आपकी कुटाई हो रही है। तो हम लोग की कुटाई तो बहुत डिफरेंट तरीके से होती थी। एनीवेज मेरी मम्मी तो ऐसे, मेरी चाची एक्चुअली ऐसे आधा मिर्चा काटती थी और हम लोग को ऐसे पकड़ती थी और मुंह में रगड़ देती गजब की पनिशमेंट थी हम लोग के बचपन में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बच्चे थे और इतनी बदमाशी करते थे कि घर में उपद्रव हो गया था, पूरा घर में छोड़ो पूरे मोहल्ले में उपद्रव हो गया था। तो हम लोग की मम्मी को इतना पनिशमेंट देना पड़ता था कि मिर्चा ही घिस देती थी कि दोबारा डरे, लेकिन हम लोग को तो मिर्चा पसंद था तो हम लोग फिर भी नहीं बदमाशी नहीं छोड़ते थे। एनीवेज तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है कि ये झेल ही नहीं पाएंगे आपकी बातों को। आप इनसे अगर कुछ पूछ रहे हैं तो आपके जवाब देना इनके लिए बहुत भारी है, क्योंकि ये जवाब नहीं देना चाहते, ये फरार होने का रास्ता अपना रहे हैं, ये फरार हो जाओ, काम ही ख़त्म। यहाँ पर इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत कर रहे हैं। इंसान जब गलत काम करता है तो उसको रियलाइज़ ज़रूर होता है कि तुम गलती पर हो, तुम गलत कर रहे हो, गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो इनको जिस दिन रियलाइज़ होगा ये वापस आएंगे, लेकिन जब तक रियलाइज़ नहीं होता आपको पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। आपको कन्फ्यूजन होगा इस रिश्ते में, एक्शन होगा कि नहीं होगा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में घूमेंगी फ़िलहाल कुछ दिन। वैसे यहाँ पे 2 नंबर और 9 नंबर है, तो अगर आप जल्दी से जल्दी कहें तो 9 दिन के अंदर आपका रीयूनियन हो सकता है। मैक्सिमम मैंने सितंबर बताया है जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, और जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। 2 दिन के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, और 2 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे फिर से पहले जैसी हो गई सिचुएशन, मतलब ब्रेकअप नहीं बट बहुत कम बातचीत, आप वेट करेंगे दिन दिन भर, उनका रिप्लाई नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन। और जो अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनका मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, जो अभी नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए भी 2 दिन है। ओवरऑल एनर्जी बोथ आर मेजर अरकाना, वी हैव 1 माइनर अरकाना। सो जिनका नो कॉन्टैक्ट है, अभी तक बात नहीं स्टार्ट हुई है, उनके लिए भी 2 दिन है। सो वी हैव 2 2 2 2 2, वी हैव 9-11, वी हैव 9-1-1, वी हैव 9-11 एक ही बात है, देन वी हैव 9-1-9, वी हैव 5-5 मतलब 5-5 और 5-1-5, ये वाइब्स हैं। वी हैव 1-1-1, ठीक है, बस ये नंबर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मैंने जो कॉन्टैक्ट में है उनका भी बता दिया, जो नो कॉन्टैक्ट में है उनका भी बता दिया, और जो कॉन्टैक्ट में नहीं है उनका भी बता दिया, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपके लिए, गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को कि आपको गुड न्यूज़ मिल जाए जल्दी से कोई। कुछ लोगों के लिए एंजल मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आपके कुछ फैमिली मेंबर्स या आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ कहासुनी हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में सडनली कोई ट्रबल मोमेंट आ सकता है, कोई परेशानी वाला मोमेंट, ये एनर्जी ही ऐसी है। फिजिकल और मेंटल कोई जर्नी सडनली इंडिकेटेड है, मे बी आप अपने एरिया से कहीं दूर जाएं
बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, स्पेशली फिजिकली आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इस टाइम पीरियड में। लेकिन करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी। ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडनली आएंगे, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड, उसे ओवरकम करना है आपको, इस टाइम पीरियड को निकालना है पॉजिटिवली। टेस्ट पीरियड है ये, इस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम के सल्यूशन पर फोकस करो, ना कि किसी को ब्लेम करो, ना ही खुद को ना ही दूसरे को। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है, जो भी आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो। आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी कुछ लोगों के बीच में इस टाइम पीरियड में। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाले टाइम में प्रार्थना यही करूँगी कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे, बट अगर करती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो चीज़ें मैंने बताई हैं। सिर्फ पॉजिटिव ही रेजोनेट करे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ, लेकिन जो एनर्जी है वो बताना मेरा काम है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। सो थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव। आप लोग भी ब्लेसिंग्स ले लीजिए, टेक केयर, बाय बाय।